वेलकम टू विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। किसी भी कोर्स के लिए आप विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में संपर्क कर सकते हो, जैसे ओ लेवल, PGDCA, ऑटोकैड, टेली, ओ लेवल, CCC, RCET, बेसिक, या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम, या फिर इंग्लिश स्पोकन, या फिर आप स्पोर्ट्स संबंधित कोई भी टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो संपर्क कर सकते हो विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। तो हम लोग बात करेंगे आज चैप्टर नंबर 11 की। तो 11 नंबर जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसके अंदर जो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा है, डॉक्यूमेंट में मौजूद ग्रामर, स्पेलिंग इत्यादि की गलती स्वतः ठीक हो जाने के लिए द ऑटो कम्प्लीट फीचर का उपयोग कर सकते हो। नो, यानी गलत है, यानी इसका उपयोग नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? गलत। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। सेकेंड है, इस डॉक्यूमेंट का नेम क्या है? तो नेम वैसा कहाँ पे दिखाता आपका? टाइटल बार के अंदर। तो यहाँ पर देखो, सबसे ऊपर दिखा रहा है आपको डॉक्यूमेंट फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये क्या हमारा फाइल का नाम है। तो डॉक्यूमेंट फर्स्ट पे क्लिक करोगे, उसके बाद क्या करना आपको, यहाँ से 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब उसके बाद दे रखा है, इसका उपयोग करके आप TOC के लिए टेक्स्ट को मार्क कर सकते हो। तो आप कस्टम स्टाइल से भी कर सकते हो, आउटलाइन लेवल से भी कर सकते हो, रेडिंग स्टाइल के अंदर भी। तो क्या होगा आपका? दिए गए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो है, जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हो तो आप देखते हो कि आपका माउस पॉइंटर के आकार में बदल जाता। तो ये आकार होता आपका पेंट ब्रश के समान, जो ब्रश होती है उसके अकॉर्डिंग बन जाता है। तो यहाँ से क्या करना आपको? पेंट ब्रश पर 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट है, जो आपको ए दे रखा है, इस बटन का इस्तेमाल से आप वर्ल्ड के अंदर कलर चेंज कर सकते हो। तो हाँ जी, इसके अंदर आप किसी भी कलर को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से क्या करना आपका? ट्रू। क्या करना आपको? यहाँ से ट्रू पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है? यहाँ से 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा, कट कमांड के इस्तेमाल से डॉक्यूमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कट का मतलब होता है कि आप किसी टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हो तो इसका यूज करते हो। तो इसका आंसर होता है आपका स्लिक टेक्स्ट और ग्राफिक्स रिमूव हो जाता है, यानी जहाँ से आपने सेलेक्ट किया था वहाँ से वो टेक्स्ट डिलीट हो जाता है। तो आप क्या बोल सकते हो? स्लिक टेक्स्ट और ग्राफिक्स रिमूव हो जाता है। तो और उसके बाद क्या करना है? यहाँ से 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका, आप वर्ड के मेल मर्ज फीचर का उपयोग करके अनेक लोगों को प्रस्ताव के बारे में डॉक्यूमेंट को मेल कर सकते हो। हाँ जी, इसको मेल कर सकते हो, लेकिन इसके लिए पहले आपको मेलिंग कमांड के अंदर आपको एक टेबल बनानी पड़ती है, जिसके अंदर जिन जिन को आप डॉक्यूमेंट वगैरह को सेंड करना चाहते हो उनका रिकॉर्ड आपको पहले उस टेबल में सेव करना पड़ता है, उसके बाद में कर सकते हो। तो क्या करना है? यहाँ से आपको राइट, यानी आप भेज सकते हो एक से अधिक व्यक्तियों को कोई भी इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हो साथ में। तो क्या करना आपको? ट्रू और 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, वर्ड प्रोसेसर का उपयोग कर आप व्यक्तिगत लेटर, फॉर्म लेटर, ब्रोशर, फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल को तैयार कर सकते हो। जी हाँ जी, तैयार आप कर सकते हो। इसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट को तैयार करना तो कर सकते हो। तो यहाँ से क्या करना आपको? ट्रू। और यहाँ से क्या करना आपको? 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हो। तो ये होता हमारा हाइपरलिंक, यानी ये कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ से क्या करना आपको? हाइपरलिंक पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में क्या करना है? यहाँ से आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्या करना है? 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बटन का फंक्शन क्या है? तो ये जो आपको एरो का दिखा रहा है सिंबल, इसको बोल सकते हो आप अंडू। अंडू का मतलब स्टेप वाइज बैक चलने को हम लोग अंडू बोलते हैं। अंडू पे क्लिक करोगे, 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। उसके बाद क्या करोगे? सबमिट करोगे। सबमिट करके चेक करो कि सारे क्वेश्चन सही है या फिर गलत है कोई भी।
तो हमारे 10 of 10। ओके, थैंक यू, बाय।